नखास मार्केट दोस्तों, तकरीबन 1:04 हो चुके हैं। 12 बजे से मार्केट कम होने लगी थी और यहाँ पर लकड़ी की पेटियां बिक रही हैं, 200 रुपए 300 रुपए खांचे के हिसाब से बिक रही हैं। ये अभी मार्केट एकदम भरी हुई लगती है। जो लोग पूछते हैं कितने बजे तक लगती है, तो सुबह 6 बजे से शाम के 2 बजे तक, 3 बजे तक कभी कभी लगी रहती है मार्केट। ठीक है, ये देखो सब कबूतर है ना। कहाँ के कबूतर है? इटौंजा मोहना। बहुत अच्छी तरफ है ये गदरीली आंख में। कितना? 1500 रुपए। 1500 रुपए का जोड़ा है। मादा हल्की है ना, तो चलो ठीक है। 1500 रुपए का जोड़ा। पंजे इसके दिखा दो थोड़ा नर के। कुछ कम नहीं करोगे? अरे वही थी कम। 1200। ये सहारनपुरी कबूतर है, डॉट के हिसाब से बिक रहे हैं। हाँ भाई, कैसे सब हो? ये लिया है भैया जी, भाई से ना कितने का लिया ना? आराम से आते हैं, वीडियो के माध्यम से कबूतर रुकता नहीं है। नहीं नहीं ठीक है, रामपुरी गोल्डन है। गोल्डन है, रामपुरी गोल्डन है। अरे मंगाए हैं परिंदे बॉर्डर से भी, तो इतना तजुर्बा हो ही गया था ना, मंगाते मंगाते किसकी क्या होता। सहारनपुर से ही बात चल रही है, वीडियो आई है अभी। चल परिंदे वहां से भी आ रहे हैं, सहारनपुर से भी। क्या क्या पैसों में है सारे? अगर लेने पर बताया था भाई, 2000 रुपए पर बताया। 2000 रुपए हम कम लगा देंगे, और बताओ कम लगा दो। उपरा दी आपने कबूतर बढ़िया है, वहाँ से भी अगर मंगाओ तो भाई अच्छा कबूतर 2000 रुपए से कम। लाट में कम ही आता है, सिंगल 2-4 लिया, अब हमें 1-2 लिएगा तो कब महंगा है। आप इकट्ठा पैदल भाई आगे आइए। अरे ताफिज भाई को भी तो ले लो कोई, भैया सब आ रहे हैं भाई वीडियो में। पैदल भाई के लिए इधर शो कराइए इसका। ये बादशाह भाई भी आए हुए, ये अमित भाई वीडियो बना रहे हैं, और ये हमारे सयान भाई। भाई यहाँ देख लीजिए जो है हमारा उस्ताद है, सयान उस्ताद। उस्ताद जो है आरिफ इकबाल भाई भी है। बहुत अच्छे कबूतर हैं। लाए लाए लाए। और ये भाई सोनू उस्ताद है, 12 नंबर डेडी ग्रुप है, और उसके बाद उस्ताद भी है। जो हकीकत है, और सोनू भाई के टैडी कबूतर बहुत मशहूर है, ऑल इंडिया फेमस है। चारे एक कमल भाई और एक अमान भाई, कर्नल कमल थे आप वाले पहली बार कमल भाई, यहाँ छोड़ के मिलती है सोनू भाई का। ये भी के आरिफ भाई हैं, माशाल्लाह इनकी इंट्रोडक्शन दिलाने की कोई जरूरत नहीं। और ताबिज भाई साथ में, दोनों लोग साथ भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। ये फैजल भाई का चैनल है सोल्जर, इससे भाई सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये बहुत दूर दूर तक की भाई शौक रखते हैं आके लखनऊ में, और एक से एक कबूतर लखनऊ में ये मार्केट में आते रहते हैं। और ये पीछे हमारे भाई साहब खड़े हुए हैं, और कहाँ गए सोनू भाई? सोनू भाई डालीगंज वाले हैं। ये भाई
टैडी कबूतर बहुत अच्छे हैं इनके पास, और आज हम लोग कुछ लगाए थे घूमने के पास। भैया अमित भाई, भैया अमित भाई है बहुत पीछे इधर कहा है, सभी लोग भाई आए हुए हैं। मार्केट में इतने सारे लोग आए हैं आरिफ भाई के साथ में, बैक करके पीछे वाला लगा लो, बैक वाला गप्पू भाई को दिखाओ, गप्पू भाई कहाँ है, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोल्जर कबूतर लखनऊ में। मेरा नाम है फैजल खान, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल सोल्जर कबूतर। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको लखनऊ के उस्ताद आरिफ इकबाल साहब से मुलाकात करवाऊंगा और उनकी छोटी बड़ी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि वो किस तरह से कितने बड़े उस्ताद हैं और किस तरह से कबूतरबाजी करते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि मैंने जितना हो सका उतना जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की है। दूसरी चीज़, आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। तो आरिफ इकबाल साहब बहुत ही अच्छे जाने पहचाने एक नाम है, जो कि लखनऊ के बाहर भी लोग उनको जानते हैं और बहुत बड़ी बड़ी उड़ानें उन्होंने उड़ा चुकी हैं। तो सबसे पहली उड़ान उन्होंने तब कराई थी जब मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे चैनल पे 12000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो उनसे मुलाकात हो गई मेरी, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई मुझे उस टाइम। आरिफ इकबाल साहब मुझे पहचान कर मुझसे बातचीत की, एक इतने बड़े उस्ताद एक छोटे से बंदे को जानते हैं सिर्फ आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से। तो आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। मैंने सबसे पहले उड़ान उनकी जो 151 कबूतर की थी वो वीडियो कवर किया था, आप उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। दूसरी उड़ान उन्होंने उड़ाई थी, उसमें उन्होंने 151 कबूतर उड़ाए थे। और दूसरी उड़ान उन्होंने जो मेरे सामने उड़ी है उनकी, उसमें 4 उस्तादों का मैच हुआ था, जिसमें कयूम अंकल थे, आरिफ इकबाल साहब थे और जीतू ग्वालियर थे और एक और साहब थे जिनका मैं नाम भूल गया हूँ। था अलीगढ़ के, और अगर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है तो माफ़ कर देना, ठीक है। इसमें आरिफ भाई का सेकंड नंबर था और कयूम अंकल का थर्ड नंबर था और जीतू ग्वालियर वो फोर्थ नंबर पे आए थे, फर्स्ट नंबर पे रहे थे जिन साहब का मैंने नाम भूल चुका हूँ। तो आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी उड़ानें देखने को मिलेंगे इसी चैनल के थ्रू। तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि सारी जानकारी मिल सके। इसमें आप लोगों को हम आरिफ इकबाल साहब के कुछ पुराने कबूतरों का शौक कराऊंगा, क्योंकि नई वीडियो बनाने के लिए अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो हम वहाँ पर जा नहीं पाए। तावीज़ भाई जो मिले थे उन्होंने बुलाया था, उनका नंबर भी मेरे पास में है, इंशाल्लाह जाएंगे बहुत ही जल्दी आरिफ इकबाल साहब के घर के कबूतरों का शौक करवाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे क्या नायाब नस्लें उन्होंने रखी हैं जो इतने बड़े बड़े मैचों में उड़ान उड़ाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता दूं कि उनके बहुत सारे इनाम हैं, बहुत सारी उड़ानें हैं, तो सब मुझे पता नहीं है। तो जो 2 उड़ानें पता थी सिर्फ मैंने 2 ही बताई, बाकी जानकारी मैं उनसे खुद पूछ लूँगा जब उनके घर वीडियो बनाने जाएंगे। तो सब्सक्राइब करके रखना इस चैनल को, सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि जैसे ही कोई वीडियो डालें तो आपको पहुँच जाए। तो उनसे बहुत ही जल्दी मैं मुलाकात करने जा रहा हूँ, बाकी आप लोग वीडियो देखिए और प्यार बनाए रखना। और बहुत सारे लोग मिले मार्केट में, तावीज़ भाई, आरिफ भाई और अमित भाई और सुहेल भाई और भी बहुत सारे लोग जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं, और हमारे दोस्त समी भाई जो कैमरामैन बने थे और हम आरिफ भाई से बात कर लेते। तो सबके लिए एक प्यार भरा कमेंट कर देना और लाइक ज़रूर कर देना ताकि इन सबको मोटिवेशन मिले और हमें भी अच्छा लगे कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगती है। तो आज की वीडियो कैसी लगी बताना पूरी देखने के बाद। तो खुदा हाफिज़ दोस्तों। भाई के छत पे रात में शौक हो रहा है, अस्सलामुअलैकुम ग्रुप के सभी लोगों को। भाई आरिफ भाई के ये बटेरे कबूतर माशाल्लाह, और इनके मैच में उड़े और साथ देखिए उड़ान के बाद इनके परों की, इस वक्त तो खैर वैसे भी नेचुरली जो है पर खराब होते हैं, लेकिन ये बैठा था, ये कबूतर इनका कंटिन्यू जितने भी गर्मियों के मैच हुए सब में बहुत जबरदस्त कबूतर है, बहुत बेहतरीन बटेरा कबूतर है, लगातार मैचों में इसने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। और ये इनके अपने घर के पट्टे हैं, बटेरे बहुत लाजवाब हैं, चाहे आप ये देखिए इस वक्त थोड़ा सा कबूतर कुरीच पे होता है तो शायद इनकी शक्लें आपको जो है बहुत ज़्यादा अच्छी ना लगें, लेकिन
वाकई में ये कबूतर अपने आप में अनमोल, ये कबूतर टैडी कबूतर है, ये दो उड़ानों में बैठा है, 5/21 पे 5/23 पे ये कबूतर है। पर की इनकी हालत खराब हो चुकी है, ये है कबूतर है, बहुत बढ़िया कबूतर है आरिफ भाई के, थोड़ा सा अमित खैर माशाल्लाह जाल कबूतर लगभग। ये देखिए अमित भाई, एक ये बटेरा है, ये उड़ा था बहुत अच्छा, इसने जो है परफॉर्मेंस दिया बहुत बढ़िया। ये सब इनके उड़ान वाले कबूतर हैं जो बेहतरीन परफॉर्मेंस की है, जिन कबूतरों ने एकदम सच्चाई ईमानदारी से बेहतरीन खुल के आते हैं। रहन दिया आरिफ भाई, पकड़िए नहीं, ये हमारे कबूतर हैं बेहतरीन उड़ने वाले। ये हमारे आरिफ भाई बिग बॉस, भाइयों के भाई मेरे बिग बॉस, कबूतरों को परेशान करना नहीं चाहता। और ये देखिए हमारे आरिफ भाई का सेटअप है पूरा, सब अलग अलग जालों में कबूतर बंद हैं। ये देखिए और ये हमारे एहसान भाई आए हुए हैं, देखिए नगर से। और ये हमारे निषादगंज वाले भैया, बड़े भैया शारिक भाई, ये हमारे पिंटू भाई, ये हमारे अनुज तिवारी जी हैं। और ये देखिए हमारे रिजवान भाई मुस्कुराते, ये हमारे सुनील भाई। सुनील भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? सब भाई को राम राम। एक देखो भैया कबूतर रात में उड़ रहा है, ये देखिए है ना, ये 8 बजे कबूतर बैठ रहा, देखिए आरिफ भाई का, ये देखिए ये बैठा।